पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो चुकी, इसलिए हाथ पांव मारने के लिए एमक्यूएम को सूबाई वजारतों की ऑफर दी। हुकूमती मशावरती टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवामी मुफाद के लिए सिंध हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। इमरान खान कह रहे हैं ये तरक्की का साल है। पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान कह रहे हैं कि ये तब्दीली का साल है। दोनों ठीक कह रहे हैं, तरक्की होगी तो ही तब्दीली आएगी। सियासत जो है वो हर सियासी पार्टी का हक है, लेकिन जहां अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने की बात आए वहां पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो हमारी सिंध हुकूमत के साथ जो वफाकी हुकूमत के इख्तलाफात हैं उसमें कोई शक नहीं। सिंध के अवाम, कराची के अवाम या किसी और सिंध के इलाके के अवाम की जिंदगी बेहतर करने के लिए वफाक को और सिंध की हुकूमत को साथ काम करने की जरूरत हो तो उसके अंदर सियासत को आड़े नहीं आने देंगे। जहां तक एमक्यूएम की बात है, मेयर साहब अभी हमारे साथ कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी की मीटिंग के अंदर थे। मेरे से कम उन्होंने इस गिले का इजहार नहीं किया। अग्रीमेंट हो गया दोनों वफाक का और सूबा सिंध का जिन चीजों के ऊपर, मिसाल के तौर पर ग्रीन लाइन का एग्रीमेंट से मुराद ये कि वो चीज तय हो गई है, लेकिन सिर्फ वो साइनिंग रह गई है, उसकी एग्जीक्यूशन रह गई, तो उसको मामले को स्पीड अप किया जाए। इस गंदे पानी को समुद्र में गिरने से रोकेगा, जो कि मली रिवर से और लियारी नदी से जो तकरीबन 550 मिलियन गैलन गिरता है, अनट्रीटेड वाटर। दिस इज द नेक्स्ट चैलेंज, जो कि उसका एक प्लान बन चुका है।